आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। चार सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देंगी धरना, रायपुर में होगा प्रदर्शन। अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर जांजगीर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका रायपुर में प्रदर्शन करने वाली है। तीज त्योहार के दिन अपने मायके न जाकर उनके द्वारा रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा बच्चों को गर्भवती महिलाओं के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया, जिसकी राशि का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। यही वजह है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उनकी मांगों में और भी कई मुद्दे शामिल है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिला शाखा अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। जब हम लोग हड़ताल किए तो TSC बाबा और माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा पंडाल में आके, वहाँ पे ईदगाह भाटा के पंडाल में आके उनने वादा किया हमसे कि हमारी सरकार आने के 10 दिन बाद हम आपको कलेक्टर दर्ज देंगे। आज तीसरा वर्ष अभी बीतने को जा रहा है, लेकिन इनने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सारी लड़कियां इससे नाराज होकर 9 सितंबर तीज का त्यौहार है, सारी लड़कियां, सारी बहनें अपनी मायके जाती हैं, तो मायके ना जा करके बूढ़ा तालाब परिसर रायपुर में धरना आंदोलन में बैठेंगी अपनी चार दिवसीय मांग को लेकर। जांजगीर से KSN 24 के लिए रामनगर की रिपोर्ट।